हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। गेहूँ जो जी नहीं है जो है, जो वे राई पर तने की रस्ट रोली पर तने की रस्ट रोली नामक रोग के रोगाणु किस खरपतवार पर शरण लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक तो फसल है हमारी गेहूं, और गेहूं का एक छोटा भाई होता है आप जानते हो सब जो, और उसी का एक चाचेरा भाई होता है जिसको हम बोलते हैं जई। ये तीनों लगभग एक ही जैसे पौधे होते हैं और इनका लगभग कुल भी एक ही है, और इनकी जो पौधे के बाह्य लक्षण होते हैं वो भी लगभग एक ही होते हैं। तो इनके तने पर एक रोली रोग होता है जिसको इंग्लिश में, हिंदी में रोली और इंग्लिश में हम रस्ट बोलते हैं। और ये रोली होती है पीली रोली, काली रोली और सफ़ेद रोली, तीन रोली होती है। अब इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो रोली होता है, रोली नामक रोग का जो रोगाणु होता है वो किस खरपतवार पर शरण लेता है। क्योंकि पूरे फसल, पूरी साल तो खरपतवार उगी, पूरे साल तो फसल हमारी उगी हुई नहीं रहेगी, फसल तो हमारी लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो 3-4 महीने तक वो क्या करेगा, वो अपना गुजारा कैसे चलाएगा। तो वो उस समय वो क्या करता है, वो कौन से खरपतवार पर चला जाता है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन ए कांस, ऑप्शन बी गोखरू, ऑप्शन सी हिरणकुरी और ऑप्शन डी जंगली जई। अब जवाब देना है आपको, जिसने जवाब दिया है जंगली जई, बिल्कुल सही जवाब है, जंगली जई पर चला जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, एक पौधा होता है गेहूं, उसका छोटा भाई हो गया जो, और उसका चाचा का लड़का हो गया जई। अब इस चाचा जई के चाचा का पापा का या फूफा का लड़का है वो है जंगली जई। जंगली जई भी बिल्कुल कैसा होता है, जई के जैसा होता है, लेकिन इसके जो गुणवत्ता होती है, गुण होते हैं वो बिल्कुल ख़राब होते हैं, इसलिए इसको जंगली श्रेणी में रखा गया है। तो जब तक ये तीनों पौधे उगे हुए नहीं रहेंगे तब तक ये जंगली जई पे काम चला लेगा, अपना यहाँ से कुछ प्राप्त कर लेगा। फिर जैसे ही इसकी, इस फसल की ऋतु आएगी या मौसम आएगा, फिर क्या करेगा, वापस से ये गेहूं जो जई पे आ जाएगा और क्या करेगा, फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं आपको, बताइएगा लास्ट में क्लास ख़त्म हो तब कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। अगला सवाल है हमारा, गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। गेहूं के पुष्प क्रम को पूछा है आपको, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, गेहूं का पुष्प क्रम क्या कहलाएगा, पॉड कहलाएगा, ईयर कहलाएगा, पिनिकल कहलाएगा या सिलिकुआ कहलाएगा। पॉड, ईयर, पेनिकल या सिलिकुआ, जिसने बेजवाब दिया है ईयर, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं के पुष्प क्रम को हम ईयर के नाम से जानते हैं। पॉड क्या होता है, पॉड तो फलियां होती है, फलियां कहाँ होती है, फलियां होती है लेग्यूमिनेसी कुल में। लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन सी फलियां होती है, उसमें होती है मूंगफली और मूंग की फली और चमले की फली और इसके बाद में उड़द की, फिर मोठ की, फिर चने की, फिर अरहर की, फिर मटर की। तो ये सारी पोड जो होगा, पोड तो होगा हमारा दलहनी में, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का पुष्पक्रम, तो गेहूं का पुष्पक्रम हो जाएगा हमारा ईयर। अगला सवाल है हमारा, गेहूं के खेत में गेहूं सा का पाया जाना कौन सा। ये बार बार इसको छोड़ो, आ चुका है ये। गेहूं के खेत में चना, सरसों, मटर का पौधा उग जाए तो उसे किस प्रकार का खरपतवार कहेंगे। ध्यान से सुनिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। गेहूं का खेत है लेकिन उसमें चना उग गया, या सरसों उग गया, या मटर का पौधा उग गया। अब असली में तो ये खरपतवार होते नहीं हैं, ये होते हैं पौधे लाभदायक, लेकिन जब वो पौधा खेत के, गेहूं के खेत में उगा हुआ है, तब वो खरपतवार ही कहलाएगा। और वो किस टाइप का खरपतवार कहलाएगा, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए निरपेक्ष खरपतवार, ऑप्शन बी सापेक्ष खरपतवार, ऑप्शन सी नकलची खरपतवार और ऑप्शन डी अवांछित खरपतवार। तो देखो, नकलची खरपतवार तो होगा नहीं, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं वो गेहूं की तरह नकलची नहीं होते हैं, मतलब गेहूं के पौधे की तरह नहीं दिखते हैं, तो नकलची खरपतवार तो होगा नहीं है। फिर दूसरा, तीन ऑप्शन बचे हैं, निरपेक्ष, सापेक्ष और वांछित। अब आप जवाब दीजिए कौन सा होगा। जिसने सापेक्ष जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। सापेक्ष क्यों होंगे, ये सापेक्ष लगभग इसी के समय उगने वाले पौधे होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं, और इसी के साथ भी हम क्या ले सकते हैं, गेहूं की फसल के साथ इनकी भी उपज हम ले सकते हैं, इसके सापेक्ष गति करने वाले, वृद्धि करने वाले होते हैं, इसलिए इनको सापेक्ष श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सापेक्ष खरपतवार है, खरपतियार नहीं है। यार तेरा देसी कलाकार सुपरस्टार। अगला सवाल,
गेहूँ में बोनेपन का जीन है, गेहूँ जो होता है उसमें बोनेपन का जीन बताना है आपको। नोरिन 10, डी जी वू जीन, लर्मा 64 या सोनारा 64, बताइए जल्दी से। गेहूँ में बोनेपन का जीन बताना है आपको। नोरिन 10, डी जी वू जीन, लर्मा 64 या सोनोरा 64, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला नोरिन 10, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा होगा? गेहूं में बोनेपन का जीन होगा नोरिन 10। नोरिन 10 के कारण ही क्या होता है, गेहूं का जो पौधा होता है वो लंबा नहीं बढ़ता है, बोना रह जाता है। लेकिन प्राचीन समय में जब हम खेती करते थे, जब हरित क्रांति नहीं आई थी भारत में, तो 1960-70 से पहले की बात है। वैसे तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी, तो 66-67 में हुई थी, उसी के बाद में ये जो गेहूं के पौधे हैं ये बोने होने लगे थे। उससे पहले लंबे होते थे, तो लंबे उससे पहले लंबे क्यों होते थे? क्योंकि नोरिन 10 जीन उसमें डाला ही नहीं तो पौधा तो लंबा बढ़ेगा। और उनकी जो हाइट होती थी वो ज्वार और बाजरा की जो फसल होती है उसके बराबर जितनी थी। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं का जो पौधा होता है उसका जो बोनापन का जीन होता है वो नोरिन 10 होता है। गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, कुल पूछ लिया जाए तो ग्रेमिनी पेपिलियोनियसी फेबेसी घास कुल है, ठीक है, और फेबेसी नहीं है, पोएसी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गेहूं का पौधा है उसका नकलची खरपतवार कौन सा है, तो गेहूं के पौधे का नकलची खरपतवार है गेहूं सा, ठीक है। जो की फसल होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शराब बनाने के लिए, ऑप्शन बी भोजन बनाने में, ऑप्शन सी माल्ट बनाने में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जौ की फसल का प्रयोग करते हैं शराब बनाने में, भोजन बनाने में, माल्ट बनाने में या उपरोक्त सभी। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो की फसल होती है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? एक तो शराब भी बनाई जाती है उससे, और उसके अलावा शराब के अलावा और क्या बनाया जाता है आप जानते हो? जौ से रोटी भी बनाई जाती है, और जौ को हम आहार के रूप में पशुओं को भी देते हैं, तो उस भोजन के रूप में भी करते हैं। और इसके अलावा माल्ट होता है, माल्ट विशेष प्रकार का इसमें एक तत्व पाया जाता है जो माल्ट होता है, जो बियर बनाने में उपयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जो कि देर से बुआई के लिए सर्वोत्तम किस्म पूछी है यहाँ पर, जो कि बुआई करनी है हमें, देरी से बुआई करनी है थोड़ी। अब बताइए आपको सर्वोत्तम किस्म कौन सी होगी? RD 103, RD 2503, RD 2508 या RD 2552, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। पहले मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार लाइव क्लास में, कि जितनी भी आरडी वाली किस्में होती है वो सब किसकी होती है? जो की होती है। आरडी लगी हुई जितनी भी किस्म होगी वो सब किसकी होगी? जो की होगी, ठीक है। तो जो कि जिसने बताया है RD 2508 बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने गलत दिया है कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन भी टफ था, आज थोड़े क्वेश्चन में आपके लिए अच्छे अच्छे क्रिटिकल लाया हूँ, ताकि अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो जो की बुआई के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त मानी गई है? RD 2508, ध्यान रखना। RD 2508 वेराइटी जो होती है वो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या है, जो कि सामान्य दशा में बुआई हेतु फास्फोरस की कितनी मात्रा प्रति हेक्टर देनी चाहिए? हमें जौ की खेती करनी है और सामान्य दशा में बुआई करनी है, यानी कि जब समय होगा तभी बुआई करनी है, सिंचाई भी हमें पर्याप्त मात्रा में, सिंचाई के साधन भी हमारे पास उपलब्ध हैं, मतलब बिल्कुल सामान्य कंडीशन है, तो हमें कितनी फास्फोरस की मात्रा डालनी है? 20 से 30 किलोग्राम, ऑप्शन बी 30 से 40 किलोग्राम, ऑप्शन सी 40 से 60 किलोग्राम, और ऑप्शन डी 50 से 60 किलोग्राम, बताइए जल्दी से। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 50 से 60 किलोग्राम, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 30 से 40 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। जो कि सामान्य दशा में बुआई करते समय फास्फोरस की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 30 से 40 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। और हमेशा जो डाटा आपको याद करना है वो हमेशा प्रति हेक्टर में याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना प्रति हेक्टर में ही होता है। अगला सवाल है हमारा, जो की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, या यूँ समझ लीजिए इसको कि ये पूछा है यहाँ पर कि जो की क्रांतिक अवस्था के बारे में बताइए। तो ऑप्शन ए है 25 से 30 दिन, ऑप्शन बी है 35 से 40 दिन, ऑप्शन सी है 15 से 20 दिन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। जो की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? 25 से 30 दिन, 35 से 40 दिन, 15 से 20 दिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने 25 से 30 दिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? जो की जो पहली सिंचाई की जाती है
वो की जाती है 25 से 30 दिन, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, जो को मोलिया रोगरोधी किस्म कौन सी है, जो की जो मोलिया रोगरोधी किस्म है उसके बारे में बताना है। जो में रखता है मोलिया रोग, मोलिया रोग कहाँ पर लगता है, जो में लगता है और गेहूं के अंदर भी ये लगता है, ठीक है। तो इसकी RD 387, RD 2552, RD 2035 और उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी से। सिर्फ लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ABC या D, जो कि मोलिया रोगरोधी किस्म। जिसने RD 387 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, RD 387 बिल्कुल सही जवाब है। जो कि मोलिया रोगरोधी किस्म कौन सी होगी, RD 387 होगी, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जो कि कौन सी किस्म लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है, जो कि जी नहीं है जो है जो कि कौन सी किस्म लवणीय में क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए BL2, ऑप्शन बी राजकिरण, ऑप्शन सी RD 2552 और ऑप्शन डी RD 31, बताइए जल्दी से। जो कि कौन सी किस्म लवणीय में क्षारीय क्षेत्रों, क्षारीय मृदाओं या क्षारीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाएगी, ए ब से या दे, ABCD। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है BL2, बिल्कुल सही जवाब है। जो कि कौन सी किस्म लवणीय और क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है, BL2 को क्षारीय और लवणीय मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। BL से आप ये भी समझ सकते हो बारले टू, बारले किसको बोलते हैं, बारले जो को बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, जो कि कौन सी किस्म मोलिया रोग, जिसको हम निमेटोड रोधी किस्म है। देखो अब क्या होता है कि जो मोलिया रोग होता है वो एक प्रकार का निमेटोड होता है। क्या होता है, निमेटोड होता है और जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको बताना है कि जो कि कौन सी किस्म मोलिया रोगरोधी किस्म है, निमेटोड। पहले भी पूछा गया था, पहले जो सवाल था वो इसी प्रकार का था, जो कि मोलिया रोगरोधी किस्म पूछी थी, उसमें जो जवाब था वो RD 387 था। अब उसमें वो नहीं है, अब दूसरी बतानी है आपको, दूसरी कौन सी होगी, BL2 राजकिरण, RS6 या फिर RDB 1। जिसने जवाब दिया है राजकिरण, बिल्कुल सही जवाब है। जो कि मोलिया रोगरोधी किस्म कौन सी होगी, राजकिरण होगी, ठीक है। उसमें राजकिरण नहीं था, इसलिए उसको क्या किया गया था, उसमें राजकिरण नहीं होने पर उसमें जो आंसर था वो था RD 387। देखो क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, देखो ये था जो कि मोलिया रोगरोधी किस्म, इसमें देखो राजकिरण नहीं है, तो इसमें जो आंसर आया था वो क्या आया था, RD 387, क्या आया था, RD 387 आया था। और जो अगला सवाल आया था हमारा, देखिए इसमें क्या है, RD 387 नहीं है, इसमें राजकिरण है। तो राजकिरण और RD 387 दोनों ही मोलिया रोगरोधी किस्म है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जो कि बुआई में नाइट्रोजन की प्रति हेक्टर मात्रा देनी चाहिए, जो कि बुआई करनी है हमें और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डालें, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा 40 से 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 80 से 100 किलोग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 60 से 80 किलोग्राम और ऑप्शन डी है हमारा 100 से 120 किलोग्राम। जो कि नत्रजन में बुआई के लिए नत्रजन की मात्रा बतानी है हमें, ए बे से या दे। जिसने जवाब दिया है 40 से 60 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो कि बुआई में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होगी, 40 से 60 किलोग्राम, 40 से 60 किलोग्राम मात्रा देनी चाहिए, ध्यान रखना। अगला सवाल है, जो कि बीज दर प्रति हेक्टर बुआई के लिए सामान्य परिस्थितियों में कितने किलोग्राम रखी जाती है। अब वापस से वो पूछा है सामान्य परिस्थितियाँ, सामान्य परिस्थितियों का मतलब ये है बुआई भी हम समय पर करेंगे, हमारा खेत भी शुष्क नहीं है, हमारा खेत गीला भी नहीं है और जो बुआई हम करेंगे उसमें कोई कंडीशन नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है, कोई वातावरणीय प्रतिकूल अवस्था नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अब बताना है आपको सीड रेट कितनी होगी, 200 होगी, 150 किलोग्राम होगी, 80 किलोग्राम होगी या 100 किलोग्राम होगी, बताइए जल्दी से। जिसने 100 किलोग्राम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो की बीज दर होती है, वैसे तो उसकी बीज दर मानी जाती है 75 से 80 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर 100 किलोग्राम दिया गया है तो 100 किलोग्राम सही होगा और कुछ बुक्स में 80 दिया गया है, 75 से 80 तो वो भी सही है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 80 और 100 दोनों दिखता है तो आप 100 कर देना पूरा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जीरे में छाछा रोग नियंत्रण हेतु कौन सा फफूंदनाशी काम में लेते हैं। ऑप्शन ए मेनकोजेब, ऑप्शन बी थायरम, ऑप्शन सी केराथेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जेट में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान रखना, आपको जवाब सही तरीके से देना, जेट के अंदर आया हुआ पूछा हुआ सवाल है ये।
जीरे में छाछिया रोग नियंत्रण हेतु कौन सा फफूंदनाशी काम में लिया जाता है? मेनकोजेब, थायरम, केराथीन या इनमें से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है केराथीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो छाछिया रोग होता है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं, और जहां पर आपको छाछिया रोग दिखाई दे वहां पर सिर्फ आपको फफूंदनाशी डालना है, और फफूंदनाशी में भी कौन सा डालना है, सीधा केराथीन डाल देना। क्या डालोगे? केराथीन डालोगे। तो छाछिया रोग, चाहे कोई सी फसल हो, छाछिया रोग आपको दिखाई दे या पाउडरी मिल्ड्यू दिखाई दे तो आपको सीधा सा केराथीन डालना है। अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू दिखाई दे, डाउनी मिल्ड्यू जो मैंने बताया था शाम वाली क्लास में, बताया होगा मैंने, या बीएचयू की क्लास में बताया था मैंने सुबह आपको, कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसकी खोज की थी, तो वो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी वो किस रोग के लिए की थी? वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए की थी। डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, तुलसीता रोग, उसके लिए की गई थी। और डाउनी मिल्ड्यू किस में लगता है? अंगूर में सबसे पहले लगा था, और सबसे पहले अंगूर की फसल में ही बोर्डो मिक्सचर को छिड़का गया था, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जीरे में विशेष सुगंध के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बताइए जल्दी से। जीरे में आपने सुंगा होगा, जीरे में सुगंध आती है विशेष प्रकार की। ऑप्शन ए ओलियोरेजिन, ऑप्शन बी क्यूमिनोल, ऑप्शन सी एथिनोल और ऑप्शन डी सोलेनिन। बताइए ए बी सी डी, ओलियोरेजिन, क्यूमिनोल, एथिनोल या सोलेनिन। जिसने बी जवाब दिया है क्यूमिनोल, बिल्कुल सही जवाब है। जीरे में विशेष सुगंध किसके कारण होती है? जीरे में विशेष सुगंध मानी आती है क्यूमिनोल के कारण। किसके कारण आती है? क्यूमिनोल के कारण आती है। और जो जीरा होता है, अगर उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या होता है जीरे का साइंटिफिक नेम होता है? क्यूमिनम साइमिनम। क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम होता है। और धनिया का क्या होता है? धनिया का होता है कोरिएंडरम सैटाइमम। और धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर, लेकिन इसका एक ऑफिशियल नेम और है, इसको सिलेंट्रो भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रो, ध्यान रखिएगा। सिलेंट्रो अगर आपसे पूछ ले सिलेंट्रो किसको कहते हैं, तो सिलेंट्रो बोला जाता है धनिया को। अगला सवाल है हमारा, जीरे का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, जीरे का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी ब्राज़ील है, ऑप्शन सी मिस्र है और ऑप्शन डी अमेरिका है। जो मिस्र है, वो जो प्राचीन मिस्र था वो आज का इजिप्ट है, मतलब जो मिस्र देश था उसको हम अब क्या कहते हैं, अब उसको हम इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर गीजे के पिरामिड बने हुए हैं, आप मिस्र के पिरामिड पढ़ा होगा आपने, तो वो मिस्र देश जो है उसको इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो जीरे का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है जीरे का उत्पत्ति स्थल मिस्र, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीरे का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो कहाँ पर माना जाता है? मिस्र को माना जाता है। और वहाँ पर जो पिरामिड बने हुए हैं, आप जानते हो वहाँ पर तीन बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं, उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये एलियंस ने बनाए हैं, ये एलियंस ने आकर बनाए हैं। तो क्या पता इनका अलाइनमेंट सिस्टम क्या है, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट में बना हुआ है, अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में बना हुआ है। और उसका जो ऊपर का नोक है वो उसके ऊपर थ्री स्टार दिखाई देते हैं आपको, अंदर आसमान के अंदर थ्री स्टार दिखाई देते हैं। उन तीन तारों का अलाइनमेंट और नीचे जो तीन पिरामिड बने हुए हैं उन तीनों का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम है, वो तीनों तारे उन्हीं जो पिरामिड है उसके बिल्कुल सटीक ऊपर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि ये एलियंस ने आके बनाए हैं, और एलियंस हमारी धरती पर समय समय पर आते रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, मैंने भी बुक्स में पढ़ा है। देखिए क्या होता है, आगे सवाल है हमारा, जीरे की बीज दर प्रति हेक्टर कितनी होती है? जीरे की बीज दर बतानी है आपको प्रति हेक्टर कितनी होती है। ऑप्शन ए 15 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन बी 12 से 15 किलोग्राम, ऑप्शन सी 20 से 22 किलोग्राम और ऑप्शन डी 25 से 27 किलोग्राम। जीरे की बीज दर प्रति हेक्टर बतानी है आपको कितनी होती है, जीरे की बीज दर। जिसने 12 से 15 किलोग्राम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने 12 से 15 किलोग्राम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जीरे की बीज दर प्रति हेक्टर कितनी होनी चाहिए? जीरे की बीज दर प्रति हेक्टर होनी चाहिए 12 से 15 किलोग्राम, ध्यान रखना 12 से 15 किलोग्राम बीज दर होती है। अगला सवाल है हमारा, जीरा किस कुल की फसल है? जीरा आपको बताना है, जीरे का कुल पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी अम्बेलीफेरी, ऑप्शन सी क्रूसीफेरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जीरा किस कुल का पौधा है? जीरा
जिसने जवाब दिया है इनमें से कोई नहीं गलत है, जो मसाले वाली फसलें होती हैं वो सारी किस में आती हैं, अम्बेली फेरी में आती है। तो ध्यान रखना, जीरा, फिर सौंफ, फिर धनिया, ये गाजर, ये किस में आएगी, ये सब किस में आती है, ये सब अम्बेली फेरी में आती हैं। तो अम्बेली फेरी कुल का पादप है। तो जीरा किस कुल का पादप है? अम्बेली फेरी कुल का पादप है, मसाले वाली जितनी भी हैं। मसाले वाली सारी सभी नहीं आएगी इसमें, ध्यान रखना। जीरा, मेथी, धनिया और गाजर के समथिंग है, ये सभी तीन चार फसलें आएंगी। अगला सवाल है जई। जई एक फसल होती है, गेहूं, जौ और ऐसी एक फसल होती है जई। जई जिसको ओट्स के नाम से जानते हैं, जई का ग्रेस पेक वे गन्ने का फाइला ब्लाइट, इसको फाला ब्लाइट भी बोलते हैं, फाइला ब्लाइट रोग किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक तो जई की फसल में ग्रे स्पेक और एक गन्ने का फाला ब्लाइट, फाइला ब्लाइट पढ़ लो या फाला ब्लाइट पढ़ लो, बात एक ही है। रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए MN यानी मैग्नीज, ऑप्शन बी ZN यानी जिंक या जस्ता, ऑप्शन सी MO यानी मोलिब्डेनम, और ऑप्शन डी है CU यानी कि कॉपर। बताइए जल्दी से, मैग्नीज, जस्ता, मोलिब्डेनम या कॉपर? जई का ग्रे स्पेक वे गन्ने का फाइला ब्लाइट रोग, दोनों रोग एक ही तत्व से हो रहे हैं, एक ही तत्व से आपको याद हो जाएंगे। जिसने जवाब दिया है मैग्नीज, बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीज जो होता है वो जब कमे हो जब जई के खेत में मैग्नीज की कमी हो जाती है तो ग्रेस पैक हो जाता है, और वही जब गन्ने के खेत में मैग्नीज की कमी हो जाती है तो फाला ब्लाइट डिजीज हो जाती है। अगला सवाल है, देखो क्या है, SSP में गंधक होता है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक का अम्ल या गंधक की मात्रा पूछी गई है, यहाँ पर बताना है आपको सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है, बताइए जल्दी से। ABCD 10%, 9%, 12% या 11%? जिसने 11% जवाब दिया है, 11.8% जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें गंधक की मात्रा जो होती है वो होती है 11.8%, ध्यान रखना, 11.8%। अगला सवाल है हमारा, RTM 314 किसकी किस्म है? RTM 314 किसकी किस्म है? ऑप्शन ए सरसों की, बी सोयाबीन की, सी तारामीरा की और ऑप्शन डी आलू की, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होगा, सरसों, सोयाबीन, तारामीरा या फिर आलू? जिसने जवाब दिया है तारामीरा, बिल्कुल सही जवाब है। तारामीरा की जो राजस्थान तारामीरा होता है, तारामीरा 314 जो सॉरी राजस्थान RTM 314 जो किस्म है वो किसकी है? तारामीरा की। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो, देखो TM का मतलब होता है तारामीरा और R का मतलब होता है राजस्थान, तो राजस्थान तारामीरा किसकी किस्म है? 314 राजस्थान तारामीरा, 314 किसकी किस्म मानी जाएगी? तारामीरा की मानी जाएगी, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान के लिए ही उपयुक्त है, ये सबके लिए उपयुक्त है, लेकिन विकसित इसको राजस्थान में किया गया है इसलिए आर लगा हुआ है। अगला सवाल है RMO 40 किसकी किस्म है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और मैं बार बार बोलता भी हूँ आपको कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। RMO 40 इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। जिसने जवाब दिया है मोट, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान, M का मतलब मो और मो से समझ सकते हो मोट, तो राजस्थान मोट 40 किसकी किस्म है? राजस्थान मोट 40 किस्म है मोट की, ध्यान रखना। और देखो ये पीछे RMO दिख रहा है और ये इधर भी जीरो दिख रहा है और इसके पीछे भी जीरो की जैसी संरचना है, तो इससे आप को रिलेट करके और संबंध बनाकर अपने दिमाग में कैसे भी करो आप, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देख लेना, इधर भी जीरो है, जीरो जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इधर भी जीरो जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दैट मीन्स को रिलेशन करके आप पढ़ सकते हो। सबके ऐसे ही फंडे होते हैं याद करने के, फनी मूवमेंट में सब फनी तरीके से कुछ ना कुछ लिंकअप करके याद करते हैं, इसीलिए वो भूलते नहीं है, टॉपर्स की यही पहचान होती है, तो आप भी टॉपर्स हैं सारे, ऐसे याद कर लेना। अगला सवाल है, देखो क्या है, तारामीरा किस कुल का पौधा है? तारामीरा का कुल पूछा है, बताइए जल्दी से तारामीरा किस कुल का पौधा है? चिनोपोडिएसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी या U4BAC, बताइए जल्दी से, चिनोपोडिएसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी या U4BAC, तारामीरा किस कुल का पौधा है? जिसने सी जवाब दिया है क्रूसीफेरी, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रूसीफेरी होता है कुल, उससे संबंध रखता है तारामीरा, तारामीरा सरसों और उसके अलावा जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ये सब किस में आएंगी? ये सब आएंगी हमारे क्रूसीफेरी कुल में, ठीक है।
क्रूसीफेरी का जो नया नाम है वो भी बता देता हूँ मैं, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या पूछा है, अगला सवाल है, परीक्षण फसलों में परीक्षण बार यानी कि टेस्ट वेट के लिए कितने दाने लिए जाते हैं। अब टेस्ट वेट लेना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है। फसलों में परीक्षण बार या टेस्ट वेट के लिए कितने दाने लिए जाते हैं, पहले आपको आंसर देना है ऑप्शन ए 100 बीज, ऑप्शन बी 1000 बीज, ऑप्शन सी 1500 बीज और ऑप्शन डी 2000 बीज। बताइए जल्दी से, टेस्ट वेट लेना है आपको किसी फसल के बीज के दानों का, कितना दाना लोगे आप, 100, 1000, 1500 या 2000। जिसने जवाब दिया है 1000, बिल्कुल सही जवाब है। जो टेस्ट वेट हमेशा लिया जाता है वो कितने दानों का लिया जाता है, टेस्ट वेट हमेशा लिया जाता है 1000 दानों का। कितने दानों का लिया जाता है, 1000 दानों का लिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको सीड इंडेक्स लेना है तो सीड इंडेक्स कितने का लोगे, सीड इंडेक्स लोगे हमेशा 100 दानों का। कितने दानों का लोगे, 100 दानों का। अब सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट में अंतर क्या होता है, देखो जो टेस्ट वेट होता है वो हमेशा लिया जाता है, एक सेकेंड रुकना, जो टेस्ट वेट लिया जाता है वो लिया जाता है हमेशा छोटे बीजों का। किसका लिया जाता है, छोटे बीजों का लिया जाता है, जैसे मूंग हो गया आपका, आपका मोट हो गया, गेहूं हो गया, इनका हमेशा क्या लेंगे, इनका टेस्ट वेट लेंगे, ठीक है। और जो बड़े दाने होंगे, जो जिनका साइज बड़ा होगा, जैसे आप समझ सकते हो काबुली चना या फिर मूँगफली या फिर और भी दूसरी जो चीज़ें हैं जिनका दाना बड़ा होता है, उनका क्या लिया जाएगा हमेशा, उनका हमेशा सीड इंडेक्स लिया जाएगा, ध्यान रखना, उनका सीड इंडेक्स लेंगे, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछ ले कि टेस्ट वेट में दानों का वजन होता है 1000 या 1000 बीजों पर जो फसलों का परीक्षण भार लिया जाता है वो क्या कहलाता है, तो टेस्ट वेट या परीक्षण भार के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, फसलों में बीज सूचकांक जिसको बोलते हैं सीड इंडेक्स के लिए कितने दाने लिए जाते हैं। अब देखो बीज सीड इंडेक्स किसको बोलेंगे, बीज सूचकांक को बोलेंगे, और परीक्षण बार में क्या था, 1000 दाने थे। तो अब इसमें कितने थे मैंने बताया था, ऑप्शन दीजिए 100, 1000, 1500 या 2000, 100, 1000, 1500 या 2000। जिसने जवाब दिया है 100 बिल्कुल सही जवाब है। फसलों का जो बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स लिया जाता है वो कितने दानों पर लिया जाता है, वो हमेशा 100 दानों पर लिया जाता है, क्योंकि इनके दाने बड़े होते हैं और बड़े दानों का ही बीज सूचकांक लिया जाता है। अगला सवाल है हमारा, फसलों में फ्लू क्लोरेलिन बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। जो फसल होती है, फसल में फ्लू क्लोरेलिन, इसका इसका जो केमिकल नेम है वो है फ्लू क्लोरेलिन, और इसका जो ट्रेड नेम है या व्यापारिक नाम है या बाजार में जो बिकने वाला नाम है वो है बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। बुआई के बाद, अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद, बुआई या रोपाई से पूर्व या ले बाय प्रयोग। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब ऑप्शन सी दिया है, बुआई या रोपाई से पूर्व, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फसलों में क्या करते हैं, फसलों में हम बुआई फ्लू क्लोरेलिन का छिड़काव करते हैं वो बुआई या रोपाई करने से पहले ही कर देते हैं, फिर इसके बाद में जैसे ही इसका एक दो दिन में इसका प्रकोप या असर कम होता है फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फसल की बुआई करते हैं। अगला है, फसलों में सस्य विज्ञान में वर्गीकरण का आधार क्या है। फसलों में सस्य विज्ञान में वर्गीकरण का आधार क्या है, वानस्पतिक वर्गीकरण, मौसम के आधार पर, आर्थिक आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। बताना है आपको फसल विज्ञान में या फसलों में सस्य विज्ञान के अंतर जो वर्गीकरण किया गया है सस्य विज्ञान की फसलों का, वो किस आधार पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वहाँ पर। वानस्पतिक वर्गीकरण, मौसम के आधार पर वर्गीकरण, या आर्थिक आधार पर, या उपयोगिता के आधार पर। जिसने जवाब दिया है आर्थिक आधार पर, बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक आधार पर बिल्कुल सही जवाब है। फसलों में सस्य विज्ञान में वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, आर्थिक आधार पर किया गया है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण क्यों है, फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्नत किस्म के उपयोग के लिए, उन्नत किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उन्नत किस्मों की जानकारी के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। बताइए जल्दी से, फसलों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण क्यों है, उन्नत किस्मों के उपयोग के लिए,
उन्नत किस्मों की पैदावार, उन्नत किस्मों की जानकारी, उपरोक्त सभी। जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता रहे कि कौन सी फसल किस कैटेगरी की है, उसकी उन्नत पैदावार हो सके, उसको हम सही ढंग से उगा सकें और उसकी जानकारी आगे शेयर कर सकें। तो ये सभी तीनों ही पॉइंट माने जाएंगे, ठीक है। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ न्यू स्टूडेंट हैं अगर आप, तो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। पहले हमारा टाइम टेबल क्या है, सुबह हमारी क्लास लगती है सही 11:30 बजे, लेकिन आज से हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। और BHU का जो पेपर सॉल्व हम करते हैं वो हम करते हैं सुबह 9:30 वाली क्लास में। फिर 11:30 बजे वाली जो क्लास होती है, वो अभी जो क्लास चल रही है वो 11:30 बजे वाली है। ये 11:30 बजे हम एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, और शाम को 8:30 बजे हम बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको पता नहीं है, समझ लीजिए कि टाइम टेबल ये है, सुबह 9:30 बजे, फिर 11:30 बजे, और फिर उसके बाद में शाम को 8:30 बजे, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम टेबल, और नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जेट के स्टूडेंट हैं तो BHU की क्लास भी लें आप, क्योंकि जेट और BHU का सिलेबस लगभग सेम होता है और एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप PAT के स्टूडेंट हैं या ICR के स्टूडेंट हैं तो भी आप BHU का ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं एग्रीकल्चर के, उसका सबका 95% सिलेबस सबका सेम है। तो आपको किसी भी पेपर को छोड़ना नहीं है, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी जितने पेपर सॉल्व करोगे आप, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगला सवाल है हमारा, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? दलहनी फसलों को, आच्छादित फसलों को, नकदी फसलों को, या रेशे वाली फसलों को? हो सकता है ये सवाल पीछे पूछा गया था तो सबको आता होगा। तो इसका जवाब क्या बताना है जल्दी से आपको, दलहनी अगर कल बताया था मैंने और फिर भी आप नहीं दे पाओगे तो फिर इसका मतलब तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो। जिसने ए जवाब दिया है, दलहनी फसलें बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और जैसे ही हम दलहनी फसल उगाते हैं तो खेत में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो अगली फसल को मिलती है और उत्पादन अच्छा होता है। अगला सवाल है हमारा, फसल उत्पादन की कौन सी पद्धति में मृदा कटाव नहीं होता? अब देखो क्या पूछा है, फसल उत्पादन की कौन सी पद्धति में मृदा कटाव नहीं होता सवाल है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सोडा कल्चर, ऑप्शन बी एपी कल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, और ऑप्शन डी मिक्स फार्मिंग। बताइए जल्दी से क्या होगा, सोडा कल्चर, एपी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, या मिक्स फार्मिंग? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, सोडा कल्चर बिल्कुल सही जवाब है। फसल की कौन सी पद्धति है मृदा कटाव, इसमें क्या होता है, ये ऐसी पद्धति होती है जिसमें बहुत ही पास पास क्या बोई जाती है, फसल को बोया जाता है, और ये सोडा कल्चर के नाम से भी जानी जाती है। और इसमें विशेष प्रकार से भूमि प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, भूमि प्रबंधन या मृदा प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, और मिट्टी का कम से कम कटाव किया जाता है। अगला सवाल है, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1947 में पोषक तत्वों के प्रबंधन का सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए जल्दी से, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1947 में पोषक तत्वों के प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर BP पाल ने, KC मेहता ने, स्टीपर्ट ने, और विश्वनाथ ने? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। 1947 में दिया था आर्नान से भी पहले, आर्नोन नामक जो साइंटिस्ट थे उनसे पहले की बात हो रही है यहाँ पर। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है, स्टीपर्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो ओर्नो नामक साइंटिस्ट हैं उनसे पहले भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने क्या दिया था, पोषक तत्वों का प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। और ये क्या नाम है इनका, इनका नाम है स्टीपर्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब आप कन्फ्यूज़ कैसे होगे, अगर आपसे पोषक तत्वों के प्रबंधन का पूछा जाता है तो स्टीपर्ट करना है, अगर आपको आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पूछा जाता है, यानी पोषक तत्व के आगे आवश्यक लग जाता है, तो फिर उसका जवाब आप क्या दोगे, फिर उसका जवाब आप दोगे सीधा ओर्नोन। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहां पे। अगला सवाल है, फसल उत्पादन में पशुपालन एक साथ करना क्या कहलाता है? देखो, फसल उत्पादन वे पशुपालन एक साथ करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एकल व्यवसाय, ऑप्शन बी मिश्रित खेती, ऑप्शन सी बहुउद्देश्य खेती, और ऑप्शन डी मिश्रित सस्य। बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, सवाल तो बिल्कुल इजी है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते और गलत करते हैं। मैं बताऊंगा क्या है इसका जवाब, इस सवाल का सही जवाब। जिसने जवाब दिया है मिश्रित खेती,
उनका सही है, और जिसने जवाब दिया है मिश्रित शस्य उनका गलत है। देखो मिश्रित शस्य मिश्रित खेती क्या होता है, मिश्रित खेती का मतलब तो ये होता है हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित शस्य क्या होगा, मिश्रित शस्य का मतलब ये होता है कि हम एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल को उगा रहे हैं। जैसे गेहूं भी उगा दिया, गेहूं के साथ हमने एक दूसरी फसल और उगा दी जैसे चना उगा दी, ठीक है, या सरसों उगा दिया, जो भी उगा दिया, तो गेहूं जो सरसों जो मिक्स में हम उगाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिश्रित शस्य, क्योंकि शस्य का मतलब होता है शस्य विज्ञान या खेती करना। और मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, क्योंकि पशुपालन भी खेती का ही एक भाग है, ठीक है, तो खेती का भाग कैसे है, क्योंकि पशुपालन हम पशु को चारा खिलाते हैं, तो चारा कहाँ से आता है, खेती से आता है। पशु हमें क्या देते हैं, गोबर देते हैं, तो गोबर कहाँ जाता है, वापस खेत में चला जाता है। तो इसीलिए पशुपालन का संबंध किससे है, फसल उत्पादन से है, तो उसको खेती का पार्ट ही माना जाता है। तो जब मिश्रित खेती आपसे पूछा जाए तो फसल उत्पादन और पशुपालन को राइट करना है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, फसल कटाई मशीन सर्वप्रथम कहाँ तैयार की गई थी, फसल की जो काटने की मशीन है वो सबसे पहले कहाँ तैयार की गई थी, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी या इटली, बताइए जल्दी से, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी या इटली। फसल काटने की मशीन, जिसने जवाब दिया है गलत है, जर्मनी में नहीं, इटली में नहीं, फ्रांस में नहीं, कहाँ पर, साइप्रस में, कहाँ पर, साइप्रस में, साइप्रस नाम की एक जगह, वहाँ पर क्या किया गया था, सबसे पहले कटाई मशीन तैयार की गई थी। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो खेती और जो दूसरी खेती से रिलेटेड काम है वो होते हैं भारत में, हालांकि और दूसरे देशों में भी होते हैं लेकिन भारत में बड़े स्तर पर होते हैं, वैसे चीन में भी होते हैं लेकिन चीन के मुकाबले भारत में, लेकिन जितनी भी आप टेक्निकल कंपनीज देखोगे वो सब भारत के बाहर की हैं, चाहे आप पेस्टिसाइड कंपनी ले लो, चाहे आप ट्रैक्टर की कंपनी ले लो, चाहे आप दूसरी कोई भी कंपनी ले लो। तो भाई जब हम बना खुद रहे हैं तो फिर उसके बाद में खेती खुद कर रहे हैं तो मशीनें बाहर की क्यों, मशीनें बाहर की क्यों, तो ये सोचने वाली चीज़ है थोड़ी, इंजीनियरिंग की थोड़ी अभी कमी है इंडिया में, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, फसल कटाई मशीन का आविष्कार हुआ था 1731, 1839 या 1931, ए बे से दे, फसल कटाई की मशीन का आविष्कार कब हुआ था, बताना है आपको फसल कटाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था। जिसने 1831 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, 1831 जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, 1831 में क्या हुआ था, फसल कटाई मशीन का आविष्कार हुआ था। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको कभी भी कुछ भी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है, तो आपको अपनी तैयारी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सवाल तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगला है फास्फोरस उर्वरक उपभोग दक्षता, जिसको बोलते हैं FUE होती है, फास्फोरस की उर्वरक उपभोग दक्षता क्षमता पता नहीं है आपको, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फास्फोरस यूज इफिशियंसी, तो ए 20 से 25, बी 35 से 40, ऑप्शन सी 50 से 60 और ऑप्शन डी 70 से 75, बताइए जल्दी से, फास्फोरस उर्वरक उपयोग उपभोग क्षमता बतानी है, ए बे से दे। जिसने जवाब दिया है 20 से 25% बिल्कुल सही जवाब है, फास्फोरस उर्वरक उपभोग क्षमता क्या होगी, 20 से 25% मानी जाएगी, 20 से 25% के समथिंग होती है। अगला सवाल है हमारा, फोइलिडी रोग किसके द्वारा फैलता है, फोइलिडी रोग किसके द्वारा फैलता है, बताना है आपको फोइलिडी रोग किसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा से और ऑप्शन डी फफूंद से, बताइए जल्दी से किससे फैलता है फोइलिडी रोग। जिसने विषाणु जवाब दिया है फोइलिडी रोग का, फोइलिडी रोग किससे फैलता है, विषाणु से जवाब दिया है वो गलत है, जो फोइलिडी रोग हमारा फैलता है वो फैलता है किससे फैलता है, माइकोप्लाज्मा से फैलता है, ध्यान रखना फोइलिडी जो बीमारी है वो माइकोप्लाज्मा से फैलती है। अगला सवाल है हमारा, फोइलिडी रोग किस फसल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है। तो फोइलिडी रोग किस फसल से संबंधित है, तिल से, सोयाबीन से, अरहर से या चना से, बताइए जल्दी से फोइलिडी रोग किस से संबंधित है। जिसने जवाब दिया है सोयाबीन गलत है, तिल सही है इसका जवाब, फोइलिडी रोग किस से संबंधित है, फोइलिडी रोग है तिल से संबंधित, ध्यान रखना।
चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? ऑप्शन ए एजिटोबैक्टर, ऑप्शन बी एजोस्पिरिलम, ऑप्शन सी एजोला और ऑप्शन डी राइजोबियम। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एजोला या राइजोबियम। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? जिसने जवाब दिया है राइजोबियम, बिल्कुल सही जवाब है। राइजोबियम जो जैव उर्वरक होता है, इससे हम क्या करते हैं, चने के बीजों को उपचारित करते हैं। तो ध्यान रखना, चनों के बीजों को उपचारित करने की बात आए तो राइजोबियम। एजोला क्या होता है? एजोला को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एजोला को हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं धान की फसल में। धान की फसल में एजोला का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एजोला क्या है, तो क्या है, ये एक जलीय शैवाल है। क्या है? जलीय शैवाल है, या जलीय फर्न के नाम से भी जाना जाता है। एजोला क्या है? फर्न है या शैवाल है। और एजोटोबैक्टर पूछ लिया जाए तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर जो जैव उर्वरक है, वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? सब्जियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र जैव उर्वरक एक ही बात है। अगला सवाल है हमारा, चने का वानस्पतिक नाम क्या है? चने का बताइए आप, फिर काबुली चने का भी मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन ए पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइवम नहीं है, क्योंकि पायसम सेटाइवम आप जानते हो किसका है, मटर का है। ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा भी नहीं है। फिर उसके बाद में साइसर एरिटिनम और एलियम सीपा, एलियम सीपा प्याज का, तो साइसर एरिटिनम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चने का वानस्पतिक नाम क्या है? चने का वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काबुली चने का वानस्पतिक नाम क्या है, तो काबुली चने का वानस्पतिक नाम हो जाएगा साइसर काबुलियम। बस एरिटिनम की जगह आपको काबुलियम लगाना है, ठीक है, तो साइसर काबुलियम। अगला सवाल है हमारा, चने की आधार बीज की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। चने की आधार बीज की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए, जो चना होता है उसकी आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर और ऑप्शन डी 50 मीटर। अब जिसको पृथक्करण दूरी पता नहीं है, वो भी मैं समझा दूंगा आपको, पहले इसका जवाब दीजिए। जो स्टूडेंट जिनको पता है वो जवाब दे, फिर बताऊंगा मैं पूरी रामायण क्या होती है। 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 50 मीटर? जिसने आधार बीज की दूरी 50 मीटर जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो चने की आधार बीज की पृथक्करण दूरी होती है वो 50 मीटर होती है। कितनी होती है? 50 मीटर। अब देखो पृथक्करण दूरी क्या होती है। पृथक्करण दूरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हम बीज का गुणन कर रहे हैं या बीज का उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि हमने जो फसल उगाई है वो किस लिए उगाई है? ताकि हम उन्नत किस्म का बीज जो उगाया है हमने, उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, या फिर हम उन्नत किस्म का बीज विकसित कर रहे हैं। तो ये जो पृथक्करण दूरी हम इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्य रूप से जो राजकीय फार्म होते हैं या जो अनुसंधान केंद्र होते हैं या रिसर्च सेंटर होते हैं, जहाँ पर किस्में विकसित की जाती हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है, पृथक्करण दूरी का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि आधार बीज, चने की आधार बीज की पृथक्करण दूरी तो 50 मीटर। तो जहाँ पर हम चने का बीज उगाएंगे, वहाँ पर 50 मीटर के दायरे में, 50 मीटर के दायरे में चने की कोई दूसरी किस्म नहीं हुई उगी हुई होनी चाहिए। 50 मीटर के दायरे में चने की कोई सी भी फसल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वरना चने की फसल होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा फिर क्या हो जाएगा, हमारी जो चने की जो हम किस्म विकसित कर रहे हैं उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पृथक्करण दूरी इसको कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास खत्म होने के बाद में एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, या फिर इसके ऊपर अलग से मुझे एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक क्रिटिकल है। और लगभग 20 से 30 जो फसलें हैं उसके आधार बीज और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी पूछी जाती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या होता है, सवाल आता है इससे एक हर बार। अगला सवाल है, मोस्टली देखो जो स्टूडेंट अभी हैं, क्या पता क्लास हो ना हो, लेकिन मक्का की जरूर से याद कर लेना, मक्का की संकर मक्का की और बाजरा की, मक्का, संकर मक्का और बाजरा, और एक और है संकुल मक्का, इन चारों की याद कर लेना। चारों में से बार बार पूछा जाता है, आधार बीज की पृथक्करण दूरी और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल है, चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी मानी जाती है? चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा पूछा है आपसे, दोमट मृदा, चिकनी मृदा, रेतीली मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा दोमट मृदा, चिकनी मृदा, रेतीली मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी मानी जाती है? दोमट, चिकनी, रेतीली या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है दोमट, बिल्कुल सही जवाब है। चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है, वो मानी जाती है दोमट मृदा। कौन सी मानी जाएगी? दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाएगी, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
जो खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है वो कौन सी है, तो बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। बलुई दोमट मृदा होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि सब में बलुई दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, चना किस परिवार से संबंध रखता है? चना की जो फसल होती है वो किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन बी सीफेरी, ऑप्शन सी मालवेसी और ऑप्शन डी कंपोजिटी। तो बताना है आपको चना किस परिवार से संबंध रखता है, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी या सीफेरी। जिसने जवाब दिया है चना किस परिवार से संबंधित है, लेग्यूमिनेसी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। लेग्यूमिनेसी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो किस में आती है, लेग्यूमिनेसी में आती है। लेग्यूमिनेसी को और क्या कहते हैं, लेग्यूमिनेसी को फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए क्या है। चुकंदर सूचक पौधा है, चुकंदर आप सब लोग जानते हो, चुकंदर सूचक पौधा है। चुकंदर से क्या बनाई जाती है, शर्करा बनाई जाती है। चुकंदर किसका सूचक पौधा है, मतलब चुकंदर सबसे पहले किस, मतलब जिस खेत में चुकंदर, सपोज इस खेत में चुकंदर उगा हुआ है हमारा है, और अब ये उगा हुआ है तो ये सबसे पहले सूचना देगा आपको, किस चीज़ की सूचना देगा कि खेत में पोटेशियम की कमी हो गई है, खेत में फास्फोरस की कमी हो गई है, खेत में सोडियम की कमी हो गई है या बोरोन की कमी हो गई है। तो बताइए चुकंदर किसका सूचक पौधा है, जिसने जवाब दिया है सोडियम Na, जिसने जवाब दिया है सोडियम Na बिल्कुल सही जवाब है। जो चुकंदर हमारा होता है, हमारा प्यारा दुलारा चुकंदर जो होता है वो क्या होता है, वो सोडियम का सूचक पौधा होता है। सोडियम की जैसे ही खेत में कमी हुई वो तुरंत उसकी सूचना देता है। कैसे देता है, अपनी जो संरचना होती है उसको विशेष प्रकार के उस पर धब्बे दिखाई देते हैं, और उससे हम क्या को रिलेट करके क्या हम समझ सकते हैं कि इसमें सोडियम की कमी है, खेत में सोडियम की कमी है या खेत की मिट्टी में सोडियम की कमी है। अगला सवाल है हमारा, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप सब लोग ध्यान रखना कि जो चीनी बनाई जाती है वो चुकंदर से बनाई जाती है और गन्ने से भी बनाई जाती है, और गन्ने के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उससे भी ज़्यादा शर्करा किस में होती है, चुकंदर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, चुकंदर के अंदर होती है। तो अब बताना है चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी श्री गंगानगर। बताइए जल्दी से, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या श्री गंगानगर। जिसने जवाब दिया है श्री गंगानगर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जो चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर कहाँ पर है, राजस्थान का एक ज़िला है श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये थे। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो क्या है कि अब क्लासेस ज़्यादा लगेंगी तो हो सकता है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो या ख़त्म हो जाए। तो जब भी आप किसी भी क्लास को अटेंड करते हो तो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, उस 3 डॉट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखाई देगी, उस क्वालिटी में आप 240p कर लो, 240p में आराम से आपको दिखाई देगा सब कुछ और आपको सुनाई भी आराम से देगा। तो आपका नेट भी बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी ले सकोगे। ठीक है, और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर टेस्ट सीरीज चलती रहती है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलती है, कोई छुट्टी नहीं होती है। कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो उसकी सूचना मैं आपको पहले दे दूंगा, बाकी अभी तक तो तकनीकी समस्या सिर्फ एक बार आई है और नहीं आएगी आगे अब। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप नए आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि अगली क्लास जो शाम को होगी सही 8:30 बजे जीव विज्ञान की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और आपको ये भी बताना है कमेंट में आज की क्लास कैसी थी, कमेंट किए बिना मत जाना आपकी क्लास कैसी थी। कमेंट आपको लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है, लाइव चैट बॉक्स में करके चले जाते हो आपको कमेंट कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।